आज की वीडियो में हम लोग अपना जो फिफ्थ सेमेस्टर नया आपका स्टार्ट होने जा रहा है उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसके सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे और उनके बारे में जानने कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, किसका केवल वाइवा वगैरह हो जाता है, ये सब देख लेंगे और आपका सेमेस्टर कैसे कौन सा चलेगा उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो 1 मिनट के लिए हम लोग बस देख लेंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर में आपके क्या क्या आता है। तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट से लिस्ट दिख रही होगी यहाँ पे कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ देख लीजिएगा। ये फिफ्थ सेमेस्टर का आपका सिलेबस है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहला सब्जेक्ट, कुल आपके 7 यहाँ टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, कुल 7 टॉपिक आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहला वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, इसको हम लोग WWE से शॉर्ट में बोलते हैं, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के नाम से है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है रेलवे ब्रिजेस एंड टनल, आपने जैसे हाईवे और आपका एयरपोर्ट पढ़े हैं तो अब उसी के आगे एक और ट्रांसपोर्ट का मीडिया है, रेलवे ब्रिजेस एंड टनल। दूसरा आपका अगला है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, इसमें भूकंप होता है, मतलब देखिए वाटर एंड वेस्ट वाटर में सीखते हैं हम लोग कि जो घर के अंदर पानी की सप्लाई कैसे दी जाती है और उसमें कैसे अरेंजमेंट करते हैं उसका, और उस सप्लाई से जो फिर वेस्ट निकलता है वाटर का उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, ये पहले वाले में। दूसरे वाले में रेलवे ब्रिजेज एंड टनल के बारे में पढ़ना है कि रेलवे जैसे हाईवे था वैसे रेलवे के बारे में, ब्रिजेस के बारे में थोड़ा, टनल जिसमें ये दोनों माइनर पार्ट हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, ज्यादा रोल रेलवे का होता है, ठीक है। अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप से अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, भूकंप कैसे होते हैं, क्या क्या नुकसान करते हैं, और हमें ऐसे मकान ऐसे घर या ऐसे कंस्ट्रक्शन तैयार करने हैं जिसमें भूकंप का असर कम से कम हो, समझ में आ रही बात में। और अगला सब्जेक्ट आपका सॉयल मैकेनिक्स होगा और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, अभी ये भी बात करते हैं हम लोग कि न्यूमेरिकल कौन सा है, थ्योरी कौन सा है, ठीक है ना। इसमें हम लोग मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जिस पर हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर खड़ा होता है वो मिट्टी ही है, अंत में मिट्टी पे ही यानी सॉयल पे ही लोड जाना है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है सर्वेइंग टू, जैसे सर्वेइंग फर्स्ट आपने पढ़ा था तो उसमें कुछ टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो वो चीजें हम लोग सर्वेइंग सेकेंड में पढ़ेंगे। और फिर आता है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, मतलब जैसे RCC पढ़े तो RCC का ड्रॉइंग था, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़े तो बिल्डिंग का ड्रॉइंग था, इसी तरह वाटर एंड वेस्ट वाटर में इसका ड्रॉइंग आपको मिलेगा, ठीक है ना। और लास्ट में आता है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, इसका मतलब होता है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नैतिक मूल्य सिखाया जाता है। ह्यूमन वैल्यू का मतलब होता है जो आपकी मानवता है, जो आपका नैतिक मूल्य है, आपको बिहेव कैसे करना है, मतलब ये सब चीजों के बारे में आपका सोशल नॉलेज इसमें सिखाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें एग्जाम कितने का होगा। एग्जाम आपको पेपर जो होगा वो ये 6 का देना पड़ेगा, इसका कोई थ्योरेटिकल एग्जाम आपका नहीं होता है। कैसे, किसका एग्जाम कैसे होगा इसको मैं आपको समझा। तो पहले एक चीज और जान लीजिए, इसमें से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये आपका एक सब्जेक्ट है सॉयल मैकेनिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों आती है। वैसे न्यूमेरिकल थ्योरी आए चाहे ना आए, लेकिन ये भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कि इसको धीरे धीरे आप पढ़ें, क्योंकि तो समय के साथ इसका वेटेज लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और सर्वेइंग सेकेंड, जैसे सर्वे फर्स्ट आपने पढ़ा सीखा होगा, यदि एक होता है केवल एग्जाम पास करना, एक होता है यदि आपने सर्वे को सीखा होगा, तो मैं आपको एक चीज से बता दूं, यदि आप जूनियर इंजीनियर बन के उभर के सामने आते हैं तो हो सकता है आपको, हो सकता है क्या, बहुत कम जरूरत पड़ेगी डिजाइन की, यानी RCC वगैरह की जरूरत आपको कम पड़ेगी, कॉन्क्रीट की पड़ सकती है लेकिन डिजाइनिंग का काम आपको नहीं मिलता है, लेकिन एक सर्वेइंग का काम और एक इस्टीमेशन जो कि फाइनल ईयर में आता है, ये दोनों काम प्रत्यक्ष रूप से जूनियर इंजीनियर का ही होता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों आपका, बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हालांकि समझने वाली चीजें सब में है, लेकिन जो एक होता है ना कि किसी सेमेस्टर में कोर चीज है, तो ये वो दो सब्जेक्ट हैं जिनको आपको थॉरली बढ़िया से पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्लियर है पूरी बात। ये दोनों को एक मतलब इंपॉर्टेंट है, जैसे एक होता है कि थोड़े समझने थोड़ा टाइम टेकिंग, तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप सर्वेइंग सेकेंड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, शुरू में इसको आपको कोई भी पढ़ा देगा, पहले दूसरे चैप्टर में कोई भी पढ़ा देगा आपको, लेकिन जैसे ही इसमें टॉपिक कुछ ऐसे हैं कि हो सकता है कि उसमें दिक्कत आए बहुत सारे अन्य टीचर्स को, ठीक है ना। मैं टॉपिक का नाम ही बता दूं आपको, क्या क्या ही कहना, अभी आप नहीं जानते इसलिए नहीं जानना है, छोड़ दीजिए। मतलब एक लेवल पे जाके देखिए, एक टीचर का अपना एक की होता है, मेरा जो मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है वो सर्वेइंग है, ठीक है ना, मतलब इसलिए फेवरेट इसलिए है कि मैं अंदर से उसको पहचानता हूँ, जानता हूँ, उसके हर तरीके से मैं वाकिफ हूँ, आपको भी करा दूंगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पारंगत हो जाएंगे इसमें अगर यहाँ पे आप पढ़ते हैं इसको, तो ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या चीज की एग्जाम होगा। देखिए यहाँ पे सब लिखा गया, यहाँ पे जैसे यहाँ पर दिखाया गया आपको कि कौन, यहाँ पे दिखाए गए हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, यहाँ पर देखिए
सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है तो इसका कोई वो नहीं। इसके आगे देखिए यहाँ पे कुछ खाली है, देखिए यहाँ पे इंटरनल है, यहाँ पे एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में यहाँ पे थ्योरी है, ठीक है ना। तो एक चीज देख लीजिएगा, बस आपको यही काउंट करना है कि थ्योरी में कौन कौन से हैं। देखिए वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का पेपर 50 नंबर का होगा, एक्सटर्नल मार्क्स में है, थ्योरी वाले में, ठीक है ना। बाकी रेलवे एंड ब्रिज का टनल का 50 नंबर का पेपर, फिर अर्थक्वेक का भी 50 नंबर का पेपर होगा, सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग 50 नंबर, उसके बाद सर्वेइंग सेकेंड भी 50 नंबर का पेपर होना है आपका। और उसके बाद आपका जो आता है देखिएगा यहाँ पे वाटर एंड ड्रॉइंग का पेपर जो होगा वो भी 50 नंबर का, और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के सामने देखिए खाली है। खाली क्यों है? इसका कोई भी एक्सटर्नल थ्योरी का एग्जाम नहीं होगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा।